तो इसमें दूसरा तरीका इसको एनिमेशंस को अप्लाई करने का ये हो सकता है कि जैसे अगर हम कुछ बटन्स बना लें, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक डिव लिया और उसके अंदर हमने कुछ बटन बना लिए, बटन्स में हमने कुछ भी लिख लिया, लेट सपोज हमने यहाँ पे लिख लिया फेसबुक, या ऐसे लिख लेते हैं, हाँ चलो फेसबुक लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने एक क्लास बना ली और उस क्लास में भी हमने बटन लिख दिया, ठीक है, और यहाँ से क्लिक करके शिफ्ट के साथ कॉपी किया और यहाँ एंटर करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे हमने लिख दिया फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया लिंक्डइन, और यहाँ पर हमने लिख दिया यूट्यूब, ठीक है। तो ये इस तरह के हमने कुछ बटन बना लिए। अब इस बटन में तो यहाँ पे तो कुछ इस तरह के बटन बने हुए आएंगे, तो बटन को हमने किस तरह से मैनेज करना है, तो हम यहाँ जाएंगे और क्लिक करके बटन के लिए भी एक क्लास बनाएंगे। तो डॉट btn करके हमने एक क्लास नहीं बल्कि बटन के नाम से एक क्लास बना ली, btn करके भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। अब इसमें बटन्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दिया, विड्थ हमने इसकी 200 पिक्स कर दी और यहाँ पर जो हाइट है उसकी 50 पिक्स कर दी, और जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो हमने यहाँ पे बटन के लिए चूज कर लिया कोई इस तरह का। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का मामला इसके ऊपर आ जाएंगे। अब इन बटन्स को अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हम इसको बॉर्डर डैश रेडियस की प्रॉपर्टी लगा के 20 पिक्सल का रेडियस लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह के हो जाएंगे, और क्योंकि बटन एक इनलाइन एलिमेंट है तो ये एक के साथ एक नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये बटन बन गए। अब इसके लिए एनिमेशन आप चाह रहे हैं बनाना तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले वही प्रॉपर्टीज को यूज़ करेंगे एनिमेशन, बल्कि क्या करना है हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये ले लिया हमने तीनों प्रॉपर्टीज, कॉपी किया हमने यहाँ पे और यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। उसके बाद इसके यहाँ पे हम अपनी एनिमेशन जो बनाएंगे उसका नाम फ्लैश रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके एट द रेट की फ्रेम करके हमने फ्लैश के नाम से अपने एनिमेशन बनाया, और उसमें भी हमने दो की फ्रेम्स को ऐड कर दिया, एक फ्रॉम के नाम से ऐड कर दिया, एक टू के नाम से ऐड कर दिया, तो ये दो की फ्रेम्स हमारे यहाँ पे ऐड हो गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमारा जो बटन सिस्टम है ये अगर टॉप पे ले जाना चाह रहे हैं तो ये कैसे जाएगा, तो यहाँ पर भी हमें पोजीशन वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करना होगा। तो जैसे हम पोजीशन यहाँ पर डिफाइन करेंगे और एब्सोल्यूट पोजीशन लिखेंगे, तो ये देखिए अब एब्सोल्यूट करने में ये एक के पीछे एक चला गया, ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे करूँगा रिलेटिव तो ये बटन एक दूसरे के बराबर में नजर आएंगे हमें इस तरीके से, ठीक है। अब ये नीचे क्यों नजर आ रहा है भाई, नीचे इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि आपने बटन नीचे बनाए हैं, तो अगर आप इसको यहाँ से कट करके सबसे टॉप पे ले जाएंगे, सपोज इसके ऊपर यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये बटन आपको टॉप पे नजर आने लग जाएंगे, सही है, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है बात, तो ये इस तरह से आपको नजर आ रहे हैं। अब ये बटन के ऊपर आप एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं तो किस तरह का एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे बताएंगे, आप एनिमेशन जो बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम आ गए यहाँ, और ये फ्रॉम में हम बता रहे हैं कि भाई ये बटन में चेंजेस ये होंगी कि यहाँ पर ये बटन जो है अपना शेप थोड़ा बहुत चेंज करेंगे और कलर चेंज करेंगे। तो शेप चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर डैश रेडियस की प्रॉपर्टी को लगाते हैं और यहाँ पे बॉर्डर डैश रेडियस को वहाँ पे 25 पिक्सल किया, यहाँ पे 10 पिक्सल करते हैं और 10 पिक्सल से दोबारा से हम ले जाते हैं यहाँ पे कितने पिक्सल पे, कितना रखा था उसको हमने 20 पिक्सल, तो 10 पिक्सल से 20 पिक्सल का एक रेडियस बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें इस तरह से ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से एनिमेशंस करते रहेंगे। अब अगर हम इसका कलर भी चेंज कराना चाहते हैं, सपोज टू बी बैकग्राउंड कलर भी चेंज कराना चाहते हैं, तो फ्रॉम में जो कलर है उससे ही कलर अपना चेंज करें, तो टू पे ले जाके हम इसको एक बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे लगा देते हैं और इसको कलर ये वाला दे देते हैं, तो ये देखिए हम अपना साथ साथ कलर भी चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करते रहेंगे। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो सकती है कि अगर मिसाल के तौर पे ये बटन्स इस तरह से काम कर रहे हैं और ये थोड़ा सा झटका मार रहे हैं ना दोबारा से रीशेप करने में, ये झटका ना मारें तो इसके लिए स्मूथली हो, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर की फ्रेम्स को फ्रॉम और टू से हटा के चेंज कर देंगे, फिर हम इसको पोजिशन पर चेंज करेंगे, 0% पे यहाँ रख लेंगे और इसको फिर बताएंगे कि 50% पे यहाँ रख लेंगे और फिर इसको ले जाके दोबारा से 0% पे यहाँ पे सेट कर देंगे। अब इसको हम तीन की फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर देंगे और इसको दोबारा से बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे सेट कर देंगे। अब रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी भी इस तरह से कर 100% करना था ना यहाँ पे, ये लीजिए अब देखते हैं इसको रिफ्रेश करके, देखा ये आया अपनी शेप में और ये रिलीज हो गया।
इस तरह से ये काम करते रहेंगे। और कलर्स के अंदर भी अगर हम चेंज चाह रहे हैं इसके अंदर, तो ये बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी भी यहाँ से लेके कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे क्लिक करके किसी और कलर के अंदर भी स्विफ्ट करा सकते हैं। सपोज भी हम इसको लाइट ऑरेंज कलर के अंदर स्विच करा लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस तरह से आप काम करेंगे। अब वो वाला कलर क्यों इम्पैक्ट झटका मार रहा है, क्योंकि वो उसके बैकग्राउंड कलर के ऊपर अप्लाई हुआ हुआ है। अगर फिल वक्त हम इसको यूज नहीं कर रहे तो इसको यहाँ से हटा दें, फिर ये दो कलर्स इसके ऊपर सिमिलरली इस तरह से काम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर रिवर्सिंग में यहाँ पे कोई कलर डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे अगर कोई कलर डिफाइंड नहीं है तो फिर उसको आपको बताना होगा कि यहाँ से कौन सा कलर चाहिए। तो सपोज टू बी एक कलर यही वाला दोबारा से ले जाके हम इसके ऊपर यहाँ पे बता देंगे कि जैसे ये आ रहा है वैसे ही इसको रिवर्स करो कलर चेंज करके। तो ये अब ऑरेंज हुआ, ये लाइट हुआ और ये फिर डार्क हुआ, फिर लाइट हुआ, फिर ऑरेंज हुआ और फिर डार्क हुआ। तो ये इस तरह से काम करेगा, अपना शेप भी चेंज कर रहा है, शेप भी चेंज कर रहा है ये अपना, और इसके अलावा ये इस तरीके से काम भी कर रहा है। इसके अलावा अगर हम फॉन्ट कलर्स के ऊपर बात करें तो वो भी हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जब ये आया तो उसका फॉन्ट कलर तो ठीक है डार्क ही कलर, डार्क कलर कर देते हैं। सपोज टू बी यहाँ पर हम लाइट है तो लाइट पे एक डार्क कलर ले लेते हैं, सपोज टू बी ये डार्क ग्रीन ले लेते हैं। और जब यहाँ पर आए तो फिर यहाँ पे लाइट कलर, अच्छा तो यहाँ पे लाइट कलर लेना था, सपोज टू बी ये लाइट कलर ले लेते हैं और यहाँ पर जाके हम एक डार्क कलर ले लेते हैं, तो फॉन्ट कलर को यहाँ पे ले जाके थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे एनिमेशन इफेक्ट हम इस पर डाल देते हैं और दोबारा से यही वाला इसको कॉपी करके इसको रिवर्स करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको दे देते हैं। तो ये देखिए किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। साथ साथ अगर हम इसका फॉन्ट साइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो फॉन्ट डैश साइज की प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे हम उसको लेके जाते हैं। सपोज भी हम ये कहते हैं कि भाई ये 16 पिक्सल से स्टार्ट होगा और एंड भी 16 पिक्सल पे ही करेगा, तो यहाँ पे हम 16 पिक्सल टू 16 पिक्सल रखेंगे और यहाँ पर बीच के अंदर जो इसका पिक्सल पढ़ा के 22 पिक्सल तक ले जाते हैं। तो रिफ्रेश करने पर ये कुछ अब इस तरह का इम्पैक्ट डालेगा। देख रहे हैं, तो इस तरह की एनिमेशन इफेक्ट काफी सारे से आप इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं और वो आपको इस तरह से दिखाएंगे। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर कि भाई जैसे ये एनिमेशन परफॉर्म हो रही है तो ये सब पर एक ही जैसी एनिमेशन परफॉर्म हो रही है, हम सबके ड्यूरेशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाके क्लिक करते हैं और यहाँ से एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है दादा, एक क्लास बना लेते हैं और एक क्लास के अंदर सपोज टू बी हम उसका नाम रख लेते हैं NM, ठीक है NM1, और उसको यहाँ पे ले जाके इस तरह से कर देते हैं। यहाँ पर एनिमेशन का जो ड्यूरेशन है NM1 हो गया, तो हम उसको ऐसा भी कर सकते हैं जैसे ड्यूरेशन को छोड़ते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, एनिमेशन को ले जाके यहाँ पे हम कर देते हैं, डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। जैसे ही रिवर्स करेंगे इसके ऊपर, तो इसके ऊपर मैंने NM1 पर रिवर्स किया। अब NM1 को मैं लगा रहा हूँ किसके ऊपर, कितने बटन है मेरे पास, एक छोड़ के दूसरे पर और तीसरे पर। तो ये देखिए अब दो अलग काम करेंगे और दो अलग काम करेंगे। आप देखें दो जब इन करते हैं तो ये आउट हो रहे होते हैं और जब वो आउट करते हैं तो ये इन हो रहे होते हैं। तो इस तरह के भी रिवर्सिंग इफेक्ट आप इस पर लगा सकते हैं, इवन आप इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, सारी चीजें आप इस पर लगा सकते हैं। अब एक सवाल है, मिसाल के तौर पर अगर मैं इनको इस तरह नहीं देखना चाहता, ऐसे देखना चाहता हूँ तो क्या करूँगा? नहीं, फिर हम क्या करेंगे, अगर हम एक और क्लास बना लेते हैं डॉट डी कॉल के नाम से, और उसमें जाके हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को ले जाके ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है, और इस क्लास को ले जाके हम सेट कर देंगे इनके साथ। तो सेव करेंगे, ठीक है, तो इस तरह आ जाएंगे। और उसी में अगर आप थोड़ा गेप इसके अंदर ऐड करना है तो मार्जिन की प्रॉपर्टी को यूज करके 5 पिक्सल लगा के रिफ्रेश करके यहाँ पर डाल देंगे, तो ये कुछ इस तरह से काम करने लग जाएंगे। तो इस तरह का जो मामला है आप एनिमेशन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पेजेस वगैरह पे कर सकते हैं और ये इस तरह से बन जाता है, ठीक है। एक चीज रह गई, जैसे ये बॉल बीच में ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बॉल जो है ये इस तरह से जाए इस साइड पर या इस तरह से जाए इस साइड पर, तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं? तो देखें यहाँ पर हमारे जो वो था एनिमेशन दूसरी वाली, उसमें देखें लेफ्ट और इसको 400 कर रखा है,
अब मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पर जाए, तो यहाँ पर कैसे जाएगा, कि मुझे यहाँ पे इसका जो फ्रॉम है, फ्रॉम जीरो करना होगा इसका, करके देखते हैं। तो ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, तो फ्रॉम जीरो नहीं करेंगे बल्कि इसका ये 400 पे रखेंगे और इसका जो टू है उसको जीरो कर देंगे। तो ये देखें इस साइड पर जा रहा है, ठीक है ना, ये अपनी जगह पे काम कर रहा है, ये अपनी जगह पे काम कर रहा है। इस ब्लॉक को अलग मैनेज करेंगे, इसको अलग मैनेज करेंगे, और इस तरह से आपकी एनिमेशन पेज के ऊपर जैसी चाहे बना सकते हैं, मतलब किसी भी बैनर को, किसी भी पोर्शन को एनिमेशन लगा दें और वो इस तरीके से काम करेगा। ठीक है,